सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन में भी डिफाइन एज अ रिमूवल ऑफ सोलेबल मटेरियल फ्रॉम इनसोलेबल रेसिडुअल एज अ जो कि क्या होगा, या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा बाय ट्रीटमेंट ऑफ सुटेबल लिक्विड सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्शन का डेली लाइफ में हम यूज बता रहे हैं, जैसे कि जूस जो निकालते हैं हम फ्रूट से, वो हमारा क्या है, वो भी एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस ही है। एक्सट्रैक्शन को जो हम अचीव कर सकते हैं बाय टू मैटर, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल मैटर होता है। इन फिजिकल मैटर जो होता है एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व करता है तो मैकेनिकल फोर्स, जैसे कि आपने देखा होगा जूस जो होता है, जूस निकालने के लिए क्या होता है, उसमें हम मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं अपना, उसके बाद ही तो जूस निकलता है। तो यही हमारा फिजिकल एक्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल हमारा है, जूस रिमूवल ऑफ जूस फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल, और या सीड से भी हम निकाल सकते हैं। सेकंड जो आता है हमारा केमिकल प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन, द एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व इन विच क्या होता है, एक सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि क्या होता है, वो सॉल्वेंट में जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेट होता है वो हमारा उसमें डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होने के बाद हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन को। सम ऑफ दीज आर द फॉलोइंग, such as size of reduction and nature of raw materials, physicochemical properties of solvent, temperature and method of leaching. Size of reduction, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए सुटेबल कौन सा होता है, मीडियम साइज का जो होगा वो आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल का नेचर कैसा है, यदि हमारा पोलर ही नेचर होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पोलर होगा तो हम सॉल्वेंट क्या यूज़ करेंगे, पोलर ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें भी सेम आता है, जैसे कि हमने वाटर यूज़ किया, वाटर क्या होगा, पोलर इन नेचर होगा, तो हम किसे प्रोटीन के साथ प्रोटीन वगैरह को निकाल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस मैटर का मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। टेम्परेचर, जैसा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज हो जाता है, सोलेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, हम इजिली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है मेथड ऑफ लीचिंग, हम किस मेथड से और किस इक्विपमेंट के द्वारा इस एक्सट्रैक्शन को हम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।